एक तरफ कल शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बैठकों का दौर जारी है। किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएं, इसको लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी यह है कि इस समय नई सरकार में मंत्रियों के फॉर्मूले पर मंथन जारी है और इसको और विस्तार देने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कल देर रात तक नड्डा के घर पर बैठक चल रही थी और अब सुबह सुबह दिन के 11 ही बजे हैं, लेकिन सुबह सुबह जाकर घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ जो बैठक हुई थी, अब उसमें किसको क्या हिस्सा दिया जाए उसको लेकर बैठकों का दौर फिर से शुरू हो चुका है। पॉलमी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पॉलमी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह, क्या एजेंडा निकलकर सामने आ रहा है? नई सरकार में मंत्रियों के फॉर्मूले पर ही चर्चा की जाएगी? पॉल में मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चले पॉल में के पास हम चलेंगे, आपको बताते चले। कल देर रात तक नड्डा के घर पर बैठक चल रही थी, अब बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है 16 सीटों के साथ जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उसको मंत्रालय में क्या क्या जगह दी जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार वो बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उनको जिस तरह का दर्जा दिया गया था उसके मुताबिक चाहे रेल मंत्रालय हो, और इसके अलावा हमने रक्षा मंत्री भी देखा था जॉर्ज फर्नांडिस किस तरह से जेडीयू कोटे से बने थे, तो उसको लेकर भी क्या इस बार चूंकि जबरदस्त तरीके से बार्गेनिंग करने की स्थिति में है नीतीश कुमार, इसी वजह से उनकी ओर से भी क्या इस तरह की डिमांड की गई है जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन पर मंथन किया जा रहा है। पॉलमी जुड़ चुकी है, पॉलमी क्या जानकारी मिल रही है? अभी जेपी नड्डा अमित शाह की मुलाकात क्या शुरू हो गई है? पॉलमी साहा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, पॉलमी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जानकारी दें, बैठकों का दौर जो चल रहा है कहां कहां बैठकें हो रही हैं, क्या फॉर्मूला तय किया जा रहा है? जी चित्रा, इस वक्त जो है जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं अमित शाह के घर पर, यहाँ पर जो है मिनिस्टीरियल बर्थ्स को लेकर जो चर्चा चल रही है कल से चल रही है, सहयोगियों को जो बताया गया है, कल आप हमने रिपोर्ट किया था कि जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह राजनाथ सिंह मौजूद थे और एक एक करके हर सहयोगी दल के चीफ को बुलाया गया, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब पहुंचे हुए थे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और सबको बताया गया जयंत चौधरी की सब उनकी क्या भूमिका रहेगी नई सरकार में और कितनी मिनिस्ट्रियल बर्थ्स, कैबिनेट रैंक और एमओएस उनको मिलेंगे। पोर्टफोलियोस की जानकारी उनको दी नहीं गई है अब तक कि कौन से मंत्रालय होंगे जो उनके पास आएंगे, पर कितनी किस तरह से उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है उसकी जानकारी दी गई है। तो शपथ ग्रहण के पहले जो पूरी तैयारियां हो रही हैं उन बातों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा है, एक मीटिंग चल रही है जो बीएल संतोष चेयर कर रहे हैं कि कल किस तरह की तैयारियां होंगी, कौन कौन मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण में, काफी सारे हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो नेबरिंग नेशन से हैं वो आ रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से पूरी तैयारियां होंगी, उनको होस्ट करना है। और बाकी जो जेपी नड्डा जो पहुंचे हुए अमित शाह के घर, इन ये मंत्रालयों पर जो चर्चा हो रही है कि किनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, ये जो फाइनल लिस्ट जो बनेगी इनके मंथन के बाद ये फिर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री को वो लिस्ट देंगे, और जब प्रधानमंत्री उसे ओके करेंगे और उस पर एक तरह से अपना कंफर्मेशन देंगे तब वो लिस्ट जो है राष्ट्रपति भवन भेजी जाएगी। अपने आप में बेहद दिलचस्प रहेगा ये जानना कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, किसका कद घटा और किसका बढ़ गया, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत धन्यवाद पॉलमी इस पूरी जानकारी के लिए। अमित शाह से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा और इन सब के बीच जबरदस्त तरीके से बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी जेडीयू में माना जा रहा है बिहार में बराबर बराबर फॉर्मूले पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन टीडीपी को क्या दिया जाएगा, एलजेपी के हिस्से में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी दल जीते हैं खासतौर से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, कुल मिलाकर बैठकों का दौर जारी है। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तो पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में तीन अहम और अलग बैठकें होने वाली हैं, एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर विचार होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अपने नए चुने हुए सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है, यकीनन आखिर 64 से इतनी कम सीटें क्यों आई, 64 से 36 एनडीए की सीटें आई हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पर मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। तीन अलग अलग तस्वीरें हैं विपक्षी खेमे में भी, आपको बता दें लगातार जोश के साथ यहां पर सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बड़ी बैठक बुला रहे हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मंत्रियों को क्या पदभार दिया जाए, इसका फैसला तो दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की ओर से तय किया जाएगा। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। पिछली बार एनडीए ने 64 सीटें जीती थी, इस बार एनडीए का आंकड़ा 36 है। तो कुल मिलाकर जो कद है उत्तर प्रदेश का मोदी मंत्रिमंडल में, यकीनन वो कम होगा। लेकिन इन सबके बावजूद जातिगत समीकरण साधकर वहां पर एक ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी मोदी कैबिनेट पर सभी की नजर बनी रहेगी। हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, क्या है एजेंडा इसका? बिल्कुल चित्रा, हम आपको दिखाते हैं लोक भवन की गहमा गहमी। एक एक करके मंत्रियों का आना जारी है और अभी मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और पिछले 2 महीने के बाद, चुनाव के बाद, ये पहली ऐसी बैठक हो रही है और उसमें इसकी समीक्षा होगी कि आखिर इन 2 महीनों में क्या हुआ है। आप देखिए, ये लोक भवन का नजारा है। दरअसल जितने भी मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं, सबों से योगी आदित्यनाथ ये जरूर पूछेंगे कि आखिर कहां प्रॉब्लम हुआ, कहां गड़बड़ हुई है। बहुत सारे लगातार मंत्री आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, हमारे साथ हैं दयाशंकर जी। दयाशंकर जी, क्या है एजेंडा? आप लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने? चुनाव के बाद जा रहे हैं, चुनाव के बाद पहली बार बैठक हो रही है, तो चुनाव के बारे में चर्चा होगी, अपने अनुभवों को हम लोग शेयर करेंगे। कैसे हारे, हार की समीक्षा करेंगे? अब ये तो हम लोग अपने अनुभव बताएंगे कि हार का मैंने क्या है। भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि जो संविधान के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया गया, उसका एक कारण है। गांव में एक कहावत है कि कभी कभी बबूर के पास भी आम मिल जाता है, तो इन लोगों को इस बार बबूर के पास आम मिल गया है, बस इतने कहूंगा। तो आपने सुना चित्रा, देखिए हार की समीक्षा ही इसका मूल विषय होने वाला है और सारे मंत्री बुलाए गए हैं। कोई कैबिनेट की बैठक नहीं है, कैबिनेट नोट नहीं आने वाला है, कैबिनेट का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मंत्रियों से जरूर समझेंगे मुख्यमंत्री कि क्या है वजह। चित्रा, यकीनन ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने कम से कम इस तरह की उम्मीद कतई नहीं की थी। जयशंकर सिंह जा रहे थे, बलिया में ऐसी स्थिति क्यों हुई ये भी बड़ा सवाल है। बनारस में सीटें वहां पर वोट कम कैसे पड़े, अयोध्या कैसे हार गई, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। समर श्रीवास्तव, विपक्षी खेमे में जो हलचल चल रही है उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब मुलाकात की थी, देखिए पीठ थपथपाते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। दोनों को इस बात का एहसास तो है कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह की उम्मीदें थी वैसा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से नहीं हुआ, लेकिन पीठ थपथपाने के मतलब माने क्या समझे जाए? अभिषेक, इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी चाहेंगे हम। देखिए, पीठ थपथपाने के मायने निकालना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी यहां से बहुत कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में नहीं रही, या यूं कहें अपने बुरे दौर से उत्तर प्रदेश में गुजरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है कि जो हुआ सो हुआ, इसके आगे देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कब किसका पीठ थपथपाते हैं और किसके साथ क्या करते हैं, ये तो जानते वही हैं, करते वही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो पार्टी के भीतर एक निराशा का भाव था, या फिर इस हार के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार में एक निराशा का भाव आया था, मुझे लगता है उससे उबरने के लिए यह तस्वीर सामने आई है। और पीठ थपथपाना इसे पॉजिटिव सेंस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बीजेपी को यकीन है कि उत्तर प्रदेश में बेशक उनकी सीटें कम हो गई हों, लेकिन उनका समर्थन कम नहीं हुआ है। और जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, जो मुद्दे विपक्ष ने बनाए, उसकी वजह से ये हार हुई है। और साथ साथ एक और मानना है उनका कि अपनों ने ही अपनों को हराया है, यहाँ की भीतरघात जैसी बातें बहुत ज्यादा हुई हैं, इसलिए बीजेपी को लगता है कि वो अभी भी अपना किला दुरुस्त कर सकती है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले इस नतीजे के बाद लोगों को आगे जुट जाने की
की तरफ इशारा किया है और वही दिखाई दे रहा है कि कल जब से पीठ थपथपाया गया आज उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंत्री हारे उन सभी के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, एक एक करके तमाम चेहरे आपको दिखाएंगे। संजीव बालियान हो, पश्चिमी यूपी में बड़ा आरएलडी के आने के बाद उम्मीद की जा रही थी शानदार प्रदर्शन की, लेकिन वैसा हो नहीं सका। संगीत रागी जी, जल्दी से एक टिप्पणी, बड़ी देर से आप लोग बैठे हुए, आशुतोष जी भी हमारे साथ आ चुके हैं और हमारे साथ रशीद किदवई जी भी बहुत देर से मौजूद है। मैं आपके पास आऊंगी, समक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश पर आपकी टिप्पणी, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हाँ, क्यों हो गया उत्तर प्रदेश में ये? किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें आएंगी। और मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो हुआ सो हुआ, एक मुद्दा बहुत साफ दिख रहा है, वो कि वो जो राहुल गांधी के तरफ से जो गारंटी कार्ड का जो झूठ फैलाया गया है, आरक्षण का मुद्दा था वो। और तीसरी बात, जो जातीय समीकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर गई। अयोध्या उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में पासी समुदाय जो है वो 2.25 लाख का है। लल्लू सिंह के कैंडिडेचर के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि इनको सीट नहीं रिपीट किया जाना चाहिए। 2 बार वो हो चुके हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल थे। कुर्मियों का वोट, यादवों का वोट और मुसलमानों का वोट, एक तरफा एक मुस्त वोट पड़ा है। यही वो कारण है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की वहां हार हुई। और मुझे इसमें कोई भीतरघात जैसी ऐसी चीजें नहीं दिखती है, या कोई संगठन का आदमी ये काम नहीं किया या वो काम नहीं किया, ये सब कयास की चीजें हैं, पतंगबाजी है। चलिए ऋषि जी, मैं आऊंगी आपके पास, समर्थ आपके पास भी, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कांग्रेस के लिए भी आज बड़ा दिन है। कांग्रेस में आज 2 बेहद अहम बैठकें हो रही हैं। पहली बैठक सीडब्ल्यूसी की है जिसमें चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी। दूसरी बैठक शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में होगी जहां संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सोनिया गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है और उनका दोबारा चुना जाना तय है। राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता चुना जा सकता है। वो अगर इनकार करते हैं तो दूसरे नामों पर विचार किया जाएगा। पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद सीटें कम होने की वजह से नहीं मिल पाया था। इस बार कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें हैं। राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनते हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक का क्या है एजेंडा, उसके बारे में हम आपको विस्तार से टीवी स्क्रीन पर भी जानकारी दे रहे हैं। यकीनन पिछले बार के मुकाबले इस बार डबल सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई है। कहां 52 थी, कहां 99 और फिर एक और शामिल हो जाते हैं, इस तरह से 100 का आंकड़ा हो जाता है कांग्रेस पार्टी के पास। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए पहले से बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति नहीं जितना कि मोदी को हटाने की और अपनी सरकार बनाने की वो बात किया करती थी। तो यकीनन इनके अंदर भी मंथन किया जाएगा कि 10 सालों की सरकार होने के बावजूद आखिर बीजेपी को उस तरह से क्यों नहीं हरा पाए। और दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष का काम अब कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, इसको लेकर क्या रणनीति अख्तियार की जाती है। राहुल गांधी ने हाल ही में हमने देखा कि सरस लगातार काफी आक्रामक होकर बार बार वो अपनी बातें मीडिया कैमरों के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी आपको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, कांग्रेस में भी बड़े मंथन का दौर है और हम लगातार टीवी स्क्रीन पर बड़ी बातें दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को दीजिए जानकारी। मौसमी, चित्रा देखिए आज मीटिंगों का दौर है कांग्रेस में। पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, फिर 5:30 बजे शाम को कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक है जिसमें कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुना जाएगा। पहले सोनिया गांधी ये कमान उन्होंने संभाली थी और उन्हीं के नाम पर दोबारा एक बार फिर दोबारा मोहर लगेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में नेता कौन होगा, यानी कि लोकसभा में नेता जो कांग्रेस पार्टी को होगा वही लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनेगा, इसलिए उस पर भी चर्चा शाम को संसदीय दल की बैठक में हो सकती है। एक बड़ा धड़ा सांसदों का यह मांग कर सकता है कि राहुल गांधी को ही नेता बनाया जाए, तो उस पर भी आज मंथन और चिंतन हो रहा है। बहरहाल अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चालू है, ये अशोका होटल में हो रही है जहां पे चुनावी नतीजों को लेके समीक्षा होगी। कहां अच्छा किया, कहां बुरा किया, क्या खोया, क्या पाया, इसको लेके एक तरीके से आप पोस्टमार्टम समझ लीजिए। यकीनन इस पर भी सभी की निगाह रहने वाली है और हम देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 सालों के बाद ये मौका है। कहां 44 पर और उसके बाद 52 पर कांग्रेस पार्टी लगातार सिमट गई थी, लेकिन इस बार 99 सीटें जीतकर यकीनन एक अलग तरह के उत्साह का संचार अपने कार्यकर्ताओं के भीतर। राहुल गांधी देखिए प्रियंका गांधी के साथ
किस तरह भीतर की ओर दाखिल हो रहे थे, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्या इनकार भी कर सकते हैं, उनके नाम को आगे रखा जाएगा, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे रख सकते हैं, या राहुल पूरी तरह से तैयार हैं जैसा कि आजकल वो फॉर्म में दिख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौसमी? देखिए चित्रा, संभावनाएं तो ये हैं कि तमाम सांसद ये बात कहेंगे कि राहुल गांधी क्योंकि उन्होंने पूरी ये मुहिम चलाई लगातार लोकसभा में के चुनाव में सबसे बड़े कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, उन्होंने जिस तरह से पांच न्याय और 25 गारंटियों को सामने रखा, सबसे ज्यादा मुखर और आक्रामक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, तो राहुल गांधी बेहतर ढंग से बात रख सकेंगे कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस के सांसद भी अपने आप को जो एक तरीके से सशक्त महसूस करेंगे अगर राहुल गांधी फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं, तो कोशिश होगी यही कि राहुल गांधी इस पर हामी भर ले, पर अभी इस बात को लेकर संशय है, ये फैसला राहुल गांधी को करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को करना है कि राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तमाम बैठकें होती हैं जहां पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आमने सामने होना होता है, क्या इस जिम्मेदारी को लेकर राहुल गांधी हामी भरते हैं या नहीं, ये फैसला शाम की बैठक में होगा।